वेलकम बैक गाइस। तो उम्मीद है आप सभी सही हो। इस वीडियो पे मैं बहुत अच्छा गेम प्लेस आप लोगों के लिए लाया हूँ, खास करके कुछ पुराना गेम प्लेस, ज्यादा नहीं 3-4 महीना पुराना होगा, जो कि मेरे फोन पे ऑलरेडी स्टोर्ड है और मैंने नोटिस भी नहीं किया और आप लोगों को दिखाया भी नहीं अभी तक। तो उसी गेम प्लेस में से कुछ गेम प्लेस मैं आप लोगों के लिए आज डाला हूँ इस वीडियो पे और उसको ही मैं एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों के सामने आज। ओके गाइस, तो बन रही एंड तक वीडियो पे। ओके गाइस, तो ध्यान देते हैं गेम प्ले पे। ये बोर्ड पे मुझे ब्रेक मिला था और आप लोग देख चुके हो मैं किस तरह से इसको खेल रहा हूँ, इस बोर्ड को। तो अभी देखिए, मेरा ऊपर रेड और वो दूसरा कॉइन थोड़ा फंसे हुए है, तो पहले हम इसको कनेक्शन बना के खेल लेते हैं टॉप लेफ्ट पॉकेट पे। अभी देखिए ऊपर जाके 3 कॉइन मेरा फंस चुके हैं। ऊपर फ्रेम का कॉइन मैं कट मार सकता हूँ, लेकिन इसको लेते हुए हम थोड़ा रिलीज़ कर लेते हैं अपना पोजीशन को। अभी देखिए मैं ये ब्लू कॉइन से वो कनेक्शन बनाऊँगा रेड का, ताकि वो दोनों कॉइन्स मेरा रिलीज हो जाए। एक तो गया पॉकेट के अंदर, अभी दूसरा है, इसको मुझे कट शॉट मारना पड़ेगा टॉप राइट पे, बहुत ही ध्यान से मारना पड़ेगा। तो ये रहा फिनिश। अभी देखते हैं नेक्स्ट गेम प्ले पे। तो चलिए, मुझे ब्रेक मिला है, इसको हम रिटर्न खींचते हैं, अपना थोड़ा पॉइंट्स रिलीज़ कर लेते हैं। अभी ओपोनेंट का टर्न है, देखते हैं ओपोनेंट भैया क्या करते हैं। ओपोनेंट भैया ने उसको ब्लू कॉइन को टारगेट किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं गया, बैड लक हो गया थोड़ा उनका। तो मैं इधर से स्टार्ट करता हूँ ये वाली कॉइन से। अभी देखिए मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, क्वीन को लेता हूँ टॉप राइट पॉकेट पे। अभी देखते हैं, ठीक है, सही है पोजीशन। जो अभी मेरा राइट वाली जो कॉइन है, इसको हम टच मारेंगे अपना टॉप राइट पे। तो ये कॉइन्स अभी देखिए दाएं तरफ, थोड़ा मुश्किल हो गया मेरा पोजीशन, लेकिन ये जो कॉइन है इसको हम ब्लू कॉइन को हटा सकते हैं इससे। लेकिन अभी देखिए फ़िलहाल के लिए बहुत ही टफ है मेरा सिचुएशन बोट का। तो एक ही शॉट है इधर से, इसको मुझे कट मारना पड़ेगा टॉप राइट पॉकेट पे, और शायद ही वो 2 कॉइन मेरे रिलीज़ होकर आ जाए। तो रिलीज़ होकर आ चुका है मेरा 2 कॉइन्स। अभी इसको लेते हुए हम उसको रिलीज़ कर लेंगे। अभी बोर्ड आसान हो गया। ये जो कॉइन है इसको हम बॉटम राइट पॉकेट पे खेलेंगे, और आखिरी जो कॉइन है उसको हम टॉप लेफ्ट पॉकेट पे खेलेंगे। नेक्स्ट गेम है सॉरी लुलू यूज़। मेरा ओपोनेंट कुछ बोला मुझको, मतलब वो लुलू यूज़ कर रहे, वो मुझको बोल दिया मेरा ओपोनेंट भैया ने। तो देखते हैं ओपोनेंट भैया क्या फिनिश कर सकते इस गेम को या नहीं। चलिए, बहुत ही अच्छा रेट को लिया वो टॉप राइट पॉकेट पे अपना, इसको अपना टॉप राइट पे लेते हुए बाई तरफ अभी कॉइन को शायद वो लेंगे टॉप लेफ्ट पे अपना। तो बहुत ही अच्छा शॉट है। अभी देखते हैं मेरा ओपोनेंट भैया क्या करते हैं, इसको लेते हुए शायद वो वाली कॉइन रिलीज़ करने के लिए ट्राई करेंगे, लेकिन अभी इम्पॉसिबल हो गया वो कॉइन। आप लोग देख सकते हो अभी इधर से इम्पॉसिबल है वो जाना, बिल्कुल भी कोई चांस नहीं है। तो ये मुझे फाइनली एक चांस मिल गया, तो मुझे इसको फिनिश करना होगा। देखिए ये वाली कॉइन को हम टॉप राइट पे लिया, अभी इसको हम टॉप लेफ्ट पे खेलेंगे। जो दूसरा कॉइन है उसको भी टॉप लेफ्ट पॉकेट पे खेलेंगे, और आखिरी जो कॉइन है उसको हम बॉटम लेफ्ट पे खेलेंगे। उससे पहले देखिए ओपोनेंट कुछ बोल रहे हैं मुझको, तो उनको मैं रिप्लाई कर दूँ कुछ। इफ़ यू यूज़ फेयर गेम प्ले देन ओनली करके मैं लिख दिया इधर। यही मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर आप फेयर खेलते हो तो मैं आपको कॉइन्स छोड़ सकता हूँ, अदरवाइज नॉट। नेक्स्ट गेम प्ले कनेक्ट हुआ है न्यूयॉर्क स्क्वायर का कैरम बोर्ड का टेबल पे। देखिए मेरा ब्रेक है, मैं इधर से ब्रेक किया लेफ्ट साइड से। अभी इसको लेते हैं, सिंपल सिंगल खेल लेते इसको। अभी देखिए इसको हम क्रॉस खेलेंगे बॉटम राइट पॉकेट पे। बहुत सारे कॉइन्स मेरा रिलीज होकर आ चुके हैं, अभी इसको लेते हैं टॉप लेफ्ट पे, सिंगल खेलेंगे हम। अभी हम क्वीन के लिए जाते हैं अपना टॉप राइट पॉकेट पे, इधर से खेलते हैं क्वीन को। थोड़ा स्ट्रोक ध्यान पे रखते हुए खेलते हैं, क्योंकि ऑलरेडी मेरा कॉइन्स रिलीज्ड है। तो इधर मेरा एक गलत डिसीजन हो गया, क्योंकि मुझे यही कॉइन खेलना चाहिए था इधर, लेकिन मैं इसको ना खेल के इधर से मैं क्रॉस ले लिया और मेरा एक कॉइन्स जाके उधर फंस गई। आप लोग देखिए इधर, ये देखिए ऊपर टॉप राइट पे जाके एकदम मेरा एक कॉइन फंस गई। तो इसको लेना, इसको रिलीज़ करना बहुत ही मुश्किल हो सकता है। तो ये डिसीजन आप लोग थोड़ा सही रखना है, आप लोगों को डिसीजन लेना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इधर से देखिए मैं इसको खेलता हूँ, कट मारता हूँ, एक ही कॉइन्स रिलीज़ होगा। तो मेरा लक अच्छा है कि वो जो दूसरा कॉइन है उधर जाके वो प्लेस हुआ है। तो अभी उस कॉइन्स को लेके क्रॉस लेके हम दूसरा जो फंसी हुई कॉइन है उसको हम रिलीज़ कर सकते हैं। ये देखिए इधर से खेलते उसको हम रिलीज़ कर लेते हैं। अगर वो कॉइन उधर नहीं रहते तो ये बोर्ड मुश्किल हो जाता मेरे लिए लेना जितना एक्चुअली। तो फाइनली इसको हम कनेक्शन बना के खेलते टॉप लेफ्ट पॉकेट पे।
तो ये हुआ बोर्ड फिनिश। नेक्स्ट गेम प्ले है न्यूयॉर्क स्क्वायर का कैरम बोर्ड का टेबल। ब्रेक लेफ्ट साइड से किया मैंने, अभी इसको हम सिंगल खेलेंगे टॉप राइट पॉकेट पे। अभी टॉप राइट पे और एक मेरा ऑप्शन है, इसको लेते हुए हम थोड़ा अपना कॉइन्स रिलीज कर लेंगे। ओके गाइस, तो अभी इसको खेलते हुए ऊपर फ्रेम का कॉइन्स को थोड़ा रिलीज करने के लिए ट्राई करते हैं। वो वाली कॉइन अपना राइट फ्रेम पे जाके रुके है, अच्छा है। इसको हम सिंगल खेल लेते, अभी राइट फ्रेम वाली कॉइन को हम क्रॉस मारेंगे, स्ट्राइकर को थोड़ा खींचेंगे सेंटर की तरफ। देखिए अभी थोड़ा मुश्किल हो गया मेरा पोजीशन, अभी एक ही ऑप्शन है मेरे पास, ये वाली कॉइन को हम बॉटम लेफ्ट पे क्रॉस मारेंगे। देखिए अभी सिंपल हो गया मेरा बोर्ड, इसको खेल लेते हैं पहले टॉप लेफ्ट पॉकेट पे। रेड को हम मारेंगे टच टॉप राइट पे और आखिरी कॉइन को हम टॉप राइट पे आराम से खेल सकते हैं। तो ये वाला बोर्ड फिनिश हुआ, ब्रेक टू फिनिश था ये वाला बोर्ड। तो चलिए चल पड़ते हैं फिर नेक्स्ट गेम प्ले की तरफ। मुंबई एरिना का है कैरम बोर्ड का गेम प्ले। मुझे ब्रेक मिला है, मैं इधर से ब्रेक किया हूँ लेफ्ट साइड से। अभी इसको सेंटर वाली कॉइन को हम आराम से सिंगल खेल लेते हैं, अभी इसको भी सिंगल खेल लेते हैं। अभी देखिए ये वाली कॉइन को लेते हुए हम थोड़ा अपना पोजीशन को रिलीज करते हैं, थोड़ा मुश्किल है। अभी हम सेंटर वाली जो कॉइन है उससे दूसरा कॉइन को हम कनेक्शन बना के खेलेंगे और उसी कॉइन को नेक्स्ट शॉट के लिए यूज़ करेंगे। अभी देखिए उसको ही हम लेंगे और थोड़ा अपना पोजीशन बनाएंगे इधर से, बहुत अच्छा। अभी देखिए इसको हम लेंगे, दूसरा और तीसरा कॉइन मैं रिलीज़ कर लूँगा अपना। अभी थोड़ा मुश्किल है, तो इधर से हम ब्लू कॉइन को टच मार सकते हैं, लेकिन ऊपर टॉप राइट पॉकेट मेरा ब्लॉक है ओपोनेंट का कॉइन से, तो इसको हमको लेना पड़ेगा, हमको क्वीन के लिए जाना पड़ेगा। इधर से कट मारते इसको टॉप लेफ्ट पे, बहुत ही मुश्किल और बहुत ही रिस्की हो सकता है ये वाली शॉट। तो ये देखिए हम इसको टॉप लेफ्ट पे आसानी से खेलते हैं और ये रहा बोर्ड फिनिश। और चलिए नेक्स्ट गेम प्ले पे, ये भी मुंबई एरिना का गेम प्ले है, ब्रेक टू फिनिश का गेम प्ले है। अब देखिए इधर से मैं ब्रेक करता हूँ थोड़ा अलग तरीके से, सेंटर में ओपोनेंट का कॉइन्स को मैं पुश करता हूँ, मेरा बहुत सारे कॉइन्स निकल के आ चुके हैं आप लोग देख सकते हो। इधर से हम इसको सिंगल खेल लेते हैं सिंपल एकदम, टॉप लेफ्ट पॉकेट पे मेरा एक कनेक्शन शॉट है उसको हम खेल लेते हैं, थोड़ा स्ट्रोक ध्यान पे रखते हुए खेलते हैं। अभी देखिए नीचे एक बम है मेरा, तो इसको ही हम यूज़ करते हैं अभी, तो आसान हो गया मेरा पोजीशन। अभी ब्लैक कॉइन को हम लेते हैं टॉप लेफ्ट पॉकेट पे, तो रेड मेरा रिलीज़ होकर आ जाएगा। अभी देखिए रेड भी रिलीज़ हो चुके हैं और दूसरा कॉइन भी, तो हम दूसरा कॉइन को लेंगे ऊपर टॉप लेफ्ट पॉकेट पे। ये थोड़ा रिस्की हो सकता है, अगर मेरा दूसरा कॉइन भी गया तो ये फाउल हो जाएगा। एनीवेज मैं थोड़ा लकी था इधर, तो ये रहा रेड इन और ये इसको हमको कनेक्शन बनाना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान पे रख के मारना है आप लोगों को। ओके गाइस, तो ये भी एक ब्रेक टू फिनिश था, अभी चल पड़ते हैं नेक्स्ट गेम प्ले पे। तो ये इस वीडियो का आखिरी गेम प्ले है और बहुत ही ज़बरदस्त खूनखार हुआ था ये गेम प्ले, तो आप लोग ज़रूर पसंद करोगे। तो बाकी गेम प्ले आप लोग एंजॉय करते रहो, और चैनल पे अगर आप लोग नए हो और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो यार क्या कर रहे हो, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब बटन दबाओ और पास में एक बेल आइकन है उसको भी दबा के रखो ताकि आने वाले मेरा वीडियोस आप लोगों को मिस ना हो जाए। और गाइस वीडियो को लाइक करना भी मत भूलिए। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो पे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, टेक केयर, गॉड ब्लेस, लव यू ऑल।